वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है गाइस। आज मैं आपके लिए एक बढ़िया स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लेके आया हूँ जो अपने सारे टाइम फ्रेम में काम करती है, यानी कि डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में, इंट्राडे में भी काम करती है, 5 मिनट आवरली चार्ट में भी काम करती है। तो गाइज वीडियो पूरा लंबा थोड़ा होगा तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। बहुत सारे मैं आपको एग्जाम्पल भी समझाऊंगा, बहुत सारे स्टॉक भी समझाऊंगा कि देखो ये सेटअप में आ रहा है तो बाय लेवल है, ये सेटअप में आ रहा है तो सेल लेवल है, और बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसा भी समझाऊंगा आपको कि अगर ऐसा सेटअप आता है तो वो इनवैलिड सेटअप है, आपको वहां पे कुछ करना नहीं है। तो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो वीडियो पूरा आप देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप पूरा वीडियो देखोगे तो फायदा ही होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से क्या है, कोई भी स्टॉक अगर ऊपर जाता है तो वहां से वो नीचे स्विंग लेता है, वहां पे आपको पकड़ना है, तो वो आपको पकड़ना आएगा कि कहाँ पे लास्ट स्विंग ले सकता है। जैसे कि ये ITC का स्टॉक मैंने अभी ओपन करके रखा है, तो गाइज आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, उसके पीछे का मेन रीजन बताता हूँ। जैसे कि देखो स्टॉक ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे लास्ट स्विंग लिया, फिर से ऊपर गया, न्यू हाई बनाया, फिर से यहाँ पे आया, तो यहाँ पे क्यों लास्ट स्विंग लिया और यहाँ से ऊपर कैसे गया। तो जो ए लेवल है, जैसे कि ए लेवल है, वो मैं आपको बताऊंगा इस स्ट्रेटेजी से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, यानी कि आराम से पता चल सकता है कि कहाँ पे आप बाय कर सकते हो, कहाँ पे आपको सेल करना है। उससे क्या होगा कि आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत मिनिमम हो जाएगा, यानी कि रिस्क बहुत लिमिटेड हो जाएगा लेकिन रिवॉर्ड अनलिमिटेड रहेगा। आप इसको पोर्टफोलियो स्टॉक भी बोल सकते हो, यानी कि पोर्टफोलियो स्टॉक में लेना है अगर, तो भी ये स्ट्रेटेजी से आप अच्छे अच्छे स्टॉक ले सकते हो, और आराम से आप जॉब करते हो तो भी आपको ये स्ट्रेटेजी हेल्पफुल होगी। तो उनके लिए स्ट्रेटेजी बहुत हेल्पफुल होगी क्योंकि इसमें रिस्क बहुत लिमिटेड है और रिवॉर्ड है वो अनलिमिटेड है। तो आपको मैं अभी स्ट्रेटेजी बताऊंगा तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, बहुत सारे अपने एग्जाम्पल देखेंगे, बाइंग साइड के एग्जाम्पल देखेंगे, सेलिंग साइड के भी एग्जाम्पल देखेंगे। तो अभी देखो मैंने चार्ट ओपन करके रखा है, मैं जीरोधा का चार्ट ओपन कर, जीरोधा का काइट यूज करता हूँ। तो आप देख सकते हो स्टॉक का नाम ITC है। तो अभी स्ट्रेटेजी में अपने कौन से इंडिकेटर यूज करेंगे वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे बाय करना है, बाइंग का रूल्स क्या है, सेलिंग का रूल्स क्या है और एग्जिट का रूल्स क्या है, तो वो सब आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी अपने चलेंगे, जीरोधा का काइट ओपन करके रखा है, डेली चार्ट ओपन करके रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ से स्टडी में जाके मैं पहले इंडिकेटर लगा देता हूँ। तो इसमें पहला इंडिकेटर गाइज रहेगा, उसका नाम रहेगा डोंचेन चैनल। तो ये आपको लगा देना है और बाय डिफॉल्ट जो भी लेवल आएगा वही लगा देना है। तो ये पहला हो गया अपना डोंचेन चैनल। अभी आपको दूसरा इंडिकेटर लगाना है जिसका नाम है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड को भी आप बाय डिफॉल्ट ही लगाना है, जो भी जीरोधा काइट में जो लेवल आता है 703 का, उसके हिसाब से लगा सकते हैं। देखो यहाँ से मैं आपको बता दूं, अगर आप दूसरा प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो सुपर ट्रेंड 703 रहेगा और डोंचेन चैनल बाय डिफॉल्ट जो भी आएगा वो रहेगा। तो ये दो इंडिकेटर हो गए अपने। अभी तीसरा इंडिकेटर रहेगा मूविंग एवरेज, आपको यूज करना है। मूविंग एवरेज से आपको आधा स्टॉक फिल्टर हो ही जाएंगे कि इसमें एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी, वो सब मैं आपको पूरा समझाऊंगा धीरे धीरे। तो मूविंग एवरेज आपको कौन सा पीरियड यूज करना है, 200 यूज करना है और सिंपल मूविंग एवरेज यूज करना है, वो भी आपको ध्यान में रखना है 200 पीरियड का, और यहाँ से आपको डन करना है। तो ये अपना सेटअप रेडी हो गया। अभी डेली चार्ट के ऊपर पहले देखेंगे, उसके बाद मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में भी दिखाऊंगा कि ये सेटअप काम करता है कि नहीं करता। तो अभी पहले अपने ITC का देख लेते हैं कि ITC में बाइंग लेवल कहाँ कहाँ आए थे। तो देखो गाइज इसमें मैं रूल्स बता देता हूँ, जो पहली बार वीडियो देख रहे हो या तो जिसको नॉलेज नहीं है ये जो इंडिकेटर का, उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि डोंचेन चैनल का ये जो है नीचे का उसको लोअर बैंड बोलते हैं और ऊपर का है उसको अपर बैंड बोलते हैं। आपको दो याद रखने हैं, कुछ ज्यादा नहीं है। और सुपर ट्रेंड बाय डिफॉल्ट जो भी आएगा तो ये सुपर ट्रेंड नीचे होता है तो ग्रीन होता है, यानी कि बाइंग साइड में स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो अभी आपको करना क्या है, रूल्स क्या है, देखो रूल्स में ऐसा है कि डोंचेन चैनल का लोअर बैंड जो सुपर ट्रेंड है उसके ऊपर होना चाहिए, पहला रूल से होना चाहिए। आप ध्यान से देखना गाइस, सुनना गाइस, पहली बार मैं समझा रहा हूँ इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा, फिर अपने क्विकली एग्जाम्पल लेंगे। तो सुपर ट्रेंड नीचे होना चाहिए और डोंचेन चैनल का लोअर बैंड ऊपर होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे लोअर बैंड नीचे है और सुपर ट्रेंड यहाँ पे, लेकिन एक टाइम यहाँ पे ऐसा आया कि ये जो नीचे का लोअर बैंड है डोंचेन चैनल का, इसको क्रॉस करके ऊपर चला गया। तो आप ध्यान से देखोगे ऐसा हो तो मैं थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझने में ईजी रहे। तो देखो इसमें रूल्स क्या है,
कि डोंचेन चैनल का लोअर बैंड सुपर ट्रेंड के ऊपर होना चाहिए और सुपर ट्रेंड नीचे होना चाहिए। यहाँ पे भी देखो सुपर ट्रेंड नीचे होना चाहिए, यहाँ से क्रॉस कर रहा है यहाँ पे, यानी कि लोअर बैंड को पहले टच करना चाहिए और सुपर ट्रेंड ऊपर की साइड होना चाहिए और 200 SMA ऐसे नीचे की साइड होनी चाहिए। तो ये अपना रूल्स हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि बाय कब करना है। तो आपको कैसे वेट करना है, जब भी ऐसा सुपर ट्रेंड डोंचेन चैनल का लोअर बैंड को जैसे क्रॉस लोअर बैंड ऊपर चला जाता है, उसके बाद आपको वेट करना है कि कोई कैंडल टच होती है कि नहीं होती, किसको टच होनी चाहिए, ये जो डोंचेन चैनल का लोअर बैंड है उसको टच होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे टच हो रही है और सुपर ट्रेंड नीचे था, तो ये अपना वैलिड सेटअप हो रहा था। तो जब भी टच होगी, कोई भी कैंडल लोअर बैंड को टच होगी, वो कैंडल के हाई के ऊपर आपको नेक्स्ट डे बाय करने का ट्राई करना है। ये अपना रूल्स हो गया, ध्यान से सुनना। लोअर बैंड को जब टच होगी तब सुपर ट्रेंड नीचे होना चाहिए, लोअर बैंड को टच होनी चाहिए और जो भी लोअर बैंड को टच होती है वो कैंडल के हाई के ऊपर आपको नेक्स्ट डे बाय करने का ट्राई करना है। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक कैंडल है, ये जो टच हो रही है, ये कैंडल आप देख रहे हो, ये टच हो रही है यहाँ पे, कहाँ पे लोअर बैंड को ये टच हो रही है, तो इसके हाई के ऊपर आपको बाय करना है। नेक्स्ट डे वेट करना है, बाय करना है। तो नेक्स्ट डे देखो ये कैंडल क्या हुआ, क्रॉस किया ऊपर की साइड नहीं किया, नेक्स्ट डे न्यू लो बना दिया। न्यू लो यानी कि यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ नीचे चला गया, नया लो बनाया, लेकिन क्लोज कहाँ पे दिया, ध्यान से देखो सुपर ट्रेंड के भी ऊपर दिया है और डोंचेन चैनल के टच किया हुआ है, यानी कि ये भी वैलिड सेटअप है। तो अभी क्या करना है, क्योंकि नया लो बनाया यानी कि अभी डिसीजन कैंडल को, पहले डिसीजन कैंडल अपनी ये थी, इसके हाई के ऊपर बाय करना था। अभी डिसीजन कैंडल कौन सी हो गई, ये वाली हो गई, तो इसके हाई के ऊपर आपको क्या करना है, बाय करना है, इसके हाई के ऊपर बाय करना है। और नेक्स्ट डे देखो एक कैंडल ने ग्रीन कैंडल बनाई और उसके ऊपर चला गया, यानी कि अपना कॉल यहाँ पे एक्टिव हो गया। जब भी कॉल यहाँ पे एक्टिव होगा तो ये जो कैंडल डिसीजन कैंडल ये वाली है, उसका जो लो रहेगा वो आपका टाइट स्टॉप लॉस हो जाएगा, अगर वो ट्रिगर होता है तो वहां पे एग्जिट करना है। तो यहाँ पे आपने एंट्री तो ले ली, समझो यहाँ पे एंट्री ले ली और ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। अभी स्टॉप लॉस तो होगा लेकिन एग्जिट भी तो करना है कहाँ पे, तो एक एग्जिट तो आपको पता चल गया, या तो स्टॉप लॉस होगा तब यहाँ पे एग्जिट करना है, लेकिन देखो उसके बाद स्टॉक नीचे नहीं है ऊपर चला गया, तो अभी एग्जिट कहाँ पे करना है। तो जब भी डोंचेन चैनल का अपर बैंड टच होता है कैंडल, तो वहां पे आपको एग्जिट करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये यहाँ पे थी, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बड़ी सी बनाई, यहाँ पे अपर बैंड को टच हुआ, तो जैसा टच हुआ वहां पे आपका टारगेट डन हो जाता है, वहां पे आपको क्या करना है, एग्जिट करना है, यानी कि एंट्री यहाँ पे करनी है। ये जो डिसीजन कैंडल का हाई बन गया, नेक्स्ट डे यहाँ पे एंट्री किया और डोंचेन चैनल का अपर बैंड है वहां पे आपको एग्जिट करना है। तो आप समझो यहाँ पे बाय किया और यहाँ पे एग्जिट किया, आपका टारगेट डन हो गया। रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो कितना है, 1:2 से भी ज्यादा होगा। जैसे कि मैंने ITC का चार्ट ओपन करके रखा है, पहला सिग्नल अपने को कौन से दिन आया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला सिग्नल डिसीजन कैंडल पहले ये दिन आई थी 11/5/2022 को। तो आप देख सकते हो ऐसे खराब मार्केट कंडीशन में भी आपको बाइंग सिग्नल मिलते रहते हैं, क्योंकि आपको डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करना है। अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होगा तो वो ऊपर जाने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, भले इंडेक्स नीचे गिरेगा लेकिन ये स्टॉक ऊपर ही जाते हैं। तो देखो पहला सिग्नल अपने को कब आया था, 11/5/2022 को आया था, उसके हाई के ऊपर बाय करना था नेक्स्ट डे, लेकिन कॉल एक्टिव नहीं हुआ था। उसके बाद नया लो बनाया था, क्योंकि इसका एक कैंडल का लो कितना था, 11/5 का लो 251.75 था, आप ऊपर देख सकते हो लेफ्ट साइड में, तो 275.75 था, 251.75, और नेक्स्ट डे देखो लो मारा था नीचे 249.15 का, यानी कि ये डिसीजन कैंडल हो गया क्योंकि नया लो मारा नीचे की साइड, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे दिया था उसने, ये सुपर ट्रेंड उसके ऊपर ही दिया, यानी कि अप ट्रेंड में ही है। तो अभी ये डिसीजन कैंडल हो गई, इसके हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हो, 256.4 उसका कैंडल का क्या था, हाई था, तो आपको 256.4 है, तो राउंड फिगर करो 257 पे आप बाय कर सकते हो, 249.15 का स्टॉप लो था, यानी कि 249 का आपका क्या हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, यानी कि करीब 7-8 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस हो गया है। और आपके यहाँ पे समझो कि एग्जिट किया, क्योंकि ये लेवल अपर बैंड है डोंचेन चैनल का, वहां पे आपने एग्जिट किया 272 पे एग्जिट किया, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो 272 आपने एंट्री कब ली, 257 पे, तो कितना 15 रुपीज का आपका टारगेट आराम से अचीव हो गया। सामने रिस्क कितना था अपना, 8 रुपीज का रिस्क था, तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे आराम से मैच हो गया और आपने यहाँ पे पहली एंट्री अपना टारगेट डन हो गया। फिर से स्टॉक अप ट्रेंड में था, फिर से अभी आपको क्या करना है, फिर से वेट करना है, फिर से अगर ऐसा सेटअप आता है कि नहीं आता, तो देखो फिर से क्या किया, उसके बाद सुपर ट्रेंड ऊपर चली गई थी और डोंचेन चैनल नीचे चली गई थी, तो ऐसा सेटअप नहीं होना चाहिए। तो फिर से एक दिन ऐसा आया कि देखो
डोंचन चैनल ने ऐसे क्रॉस करके ऊपर चला गया और सुपर ट्रेंड नीचे चली गई। तो अभी क्या करना है, अभी आपको वेट करना है कि कौन सी कैंडल टच होती है। तो देखो ये वाली कैंडल पहले टच हुई लोअर बैंड को और सुपर ट्रेंड नीचे थी और ये भी अपना परफेक्ट सेट है। तो 200 एसए में नीचे की साइड होना चाहिए बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए वो उल्टा होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये डिसीजन कैंडल हो गई ये वाली रेड कैंडल, क्योंकि डोंचन चैनल का लोअर बैंड को यहाँ पे टच किया है। तो इसके हाई के ऊपर नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, बाय करना है। लेकिन देखो नेक्स्ट डे उसका हाई ब्रेक हुआ नहीं हुआ, लेकिन न्यू लो बनाया था यहाँ पे। देखो जैसे प्रीवियस में अपने पहले डिसीजन कैंडल एक दिन मिली थी, यहाँ पे भी मिली थी, उसके बाद दूसरे दिन भी मिली थी। तो यहाँ पे भी डिसीजन कैंडल अपनी चेंज हो गई क्योंकि न्यू लो बनाया है। तो अभी नेक्स्ट डे ये डिसीजन कैंडल हो गई। तो अभी आपको क्या करना है, क्योंकि ये नया लो बनाया है तो अभी ये डिसीजन कैंडल हो गई, इसके हाई के ऊपर आपको क्या करना है, बाय करना है नेक्स्ट डे। तो ये आपका एंट्री सिग्नल हो गया, एंट्री डेट यहाँ पे इसके हाई के ऊपर कॉल एक्टिव हो गया और आपका ये टाइट स्टॉप लॉस हो गया डिसीजन कैंडल का लो। और आपका डोंचन चैनल का अपर बैंड है अभी देखो कितना है, 275 का है। तो वहां पे आपने क्या किया, आज के दिन आपको एग्जिट भी यहाँ पे मिल गया है, 275.80 पे एग्जिट भी मिल गया और उसके बाद स्टॉक ऊपर भी चला गया था, 285 के करीब चला गया था। लेकिन वो सब आपको देखना नहीं है, तो आज का दिन देख लेते हैं जो। तो यहाँ पे देखो कर्सर से मैं बताता हूँ कि आपको फिर से नया सिग्नल मिला था 16 जून 2022 को, यहाँ पे देख सकते हो रेड कैंडल है वो आपकी डिसीजन कैंडल है, उसके हाई के ऊपर आपको नेक्स्ट डे बाय करना था 17 जून को, लेकिन हाई ब्रेक नहीं किया लेकिन नया लो ब्रेक किया था और सुपर ट्रेंड नीचे ही अभी भी, यानी कि अप ट्रेंड भी है। तो आपको क्या करना है, अभी 17 तारीख का जो हाई है उसके ऊपर नेक्स्ट डे बाय करना है 20 तारीख को, क्योंकि बाद में सैटरडे संडे आ गया था। तो 17 जून का जो कैंडल था 264.15, तो आप समझो कि 264.50 पे आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हो। तो 20 तारीख को देखो 266 का हाई मारा था, 266.15 का हाई मारा, यानी कि आपका कॉल एक्टिव हो गया है। तो आपने यहाँ पे कब बाय किया, 264.50 पे बाय किया और आपका यहाँ पे 275 का टारगेट अचीव हो गया है। तो 10-11 रुपीज का आपका टारगेट आराम से यहाँ पे मिल गया है और सामने रिस्क कितना था, 200 आप कैलकुलेट कर सकते हो, 6 रुपीज का आपका रिस्क था क्योंकि 258.55 यानी कि 258.50 का आपका लो होता, यानी 6 रुपीज के सामने आपको 10 रुपीज का आराम से टारगेट अचीव हो गया है। यहाँ पे अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो आपको यहाँ पे लॉटरी भी लग सकती है, 285 का हाई मारा। तो ये अपना ITC में एग्जाम्पल लिया बाइंग साइड, अभी मैं आपको पहली बार समझा रहा था इसीलिए थोड़ा क्विकली समझाया, अभी मैं आपको बाइंग साइड के 2-4 एग्जाम्पल और भी समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर कट समझ में आ जाए कि अगर ऐसा सेटअप हो तो आपको बाय करने के ट्राई करना है। तो ये तो हो गया अपना ITC में सेटअप, अभी मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक बताऊंगा जो ऐसे सेटअप में आए थे और मार्केट इतना गिरा तो भी ये स्टॉक अच्छे से काम कर रहे थे। तो देखो अभी इसमें एक स्टॉक का नाम है VBL, आप यहाँ पे देख सकते हो। और गाइज अभी नेक्स्ट सैटरडे संडे आ रहा तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, तो मैं आपको स्टॉक के नाम बता रहा हूँ और आप भी अगर ऐसा कोई सेटअप में आता है तो कमेंट करके मेरे को टाइम के साथ बता सकते हो कि कौन से टाइम फ्रेम में कब सेटअप आया था तो मैं भी देख सकूं। तो देखो VBL में फिर से एक सेटअप आया था, उसके पीछे का भी रीजन बताता हूँ। तो अभी आपको थोड़ा क्विकली बताऊंगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो VBL में सेटअप कैसे आया था, अपना रूल्स क्या है कि सुपर ट्रेंड नीचे होना चाहिए, डोंचन चैनल ऐसे क्रॉस होके ऊपर जाना चाहिए, तो डोंचन चैनल को लोअर बैंड को कोई कैंडल टच करनी चाहिए। तो देखो ये कैंडल ने क्या किया, टच किया था, सुपर ट्रेंड नीचे थी और 200 एसए में भी नीचे थी, यानी कि अपना परफेक्ट सेटअप आ गया। जब भी डोंचन चैनल का लोअर बैंड को टच करता है वो अपना डिसीजन कैंडल हो जाता है, नेक्स्ट डे उसके हाई के ऊपर आपको बाय करना है और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और इसका जो अपर बैंड है वहां पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है। अगर एग्जिट नहीं करते तो आपको लॉटरी भी लग सकती है, इसलिए मैंने बोला कि जो लोग जॉब करते हैं तो पोर्टफोलियो स्टॉक में भी ऐसे 1 से 4 महीने 6 महीने स्टॉक लेके रख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि रिस्क लिमिटेड होता है, लेकिन कोई भी स्टॉक आपके फेवर में चला गया तो अच्छे आपको रिटर्न दे सकता है। जैसे कि VBL में कब अपना सेटअप आया था, तो मैं वीडियो थोड़ा देखो, तो VBL में सेटअप कब आया था वो भी मैं बता दूं, आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे डेट लिख के आ रही है, यहाँ पे देखोगे तो 7 मार्च 2022 को आया था। अपने को डिसीजन कैंडल ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये डिसीजन कैंडल यहाँ पे मिल गई है क्योंकि लोअर बैंड को टच किया है, सुपर ट्रेंड भी नीचे है और 200 एसएमए भी नीचे, यानी कि अपना डिसीजन कैंडल हो गई। तो 7 मार्च को आपको पता चल गया कि नेक्स्ट डे मेरे को कौन से, इस जो 7 मार्च को कैंडल ने हाई बनाया उसके हाई के ऊपर आपको क्या करना है, बाय करना है। तो आप देख सकते हो 609.6 का उसका हाई था, तो आपको 610 को नेक्स्ट डे बाय करने का ट्राई करना है।
तो देखोगे तो 8 मार्च को हाई मारा था 616.65 का, यानी कि अपना कॉल एक्टिव हो गया और 583.6 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे तो फिर आपको क्या करना है, टाइट स्टॉप लॉस लगा के रखना है, और जब भी यहाँ पे टच होता है, जैसे कि यहाँ पे टच हो गया, कहाँ पे हुआ, ये आपका कितना लेवल आ रहा था, 660 का लेवल आ रहा था, तो आपने बाय कब किया, 610 पे बाय किया, 660 पे आपने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। कितना टाइम लगा, आप यहाँ पे एंट्री डेट कौन सी थी, 8 मार्च 2022 थी, और आपको एक कैंडल यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लो अपर बैंड को टच किया, यानी कि आपका टारगेट अचीव हो गया। तो एंट्री और एग्जिट देखोगे तो 7 अप्रैल को आपने एग्जिट कर दिया, यानी कि एक महीने में आपको आराम से 8-10% का रिटर्न यहाँ पे मिल गया। अगर आप जॉब करते हो, आपको लॉन्ग टर्म नजरिया है, क्योंकि स्टॉक तो अप ट्रेंड में ही है, ऊपर जाने के बहुत हाई चांस होते हैं, ऊपर ही जाते रहते हैं, कब एग्जिट करोगे, तो आपको ऐसे सुपर ट्रेंड को फॉलो करना है। जब भी सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज दे तब भी आप एग्जिट कर सकते हो। दूसरा क्राइटेरिया ऐसा भी है, लेकिन ये स्विंग ट्रेड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो लोग फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, सुपर ट्रेंड को स्टॉप लॉस मानो और सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज दे तब भी एग्जिट करो, तो आपको मल्टी बैगर स्टॉक हो जाएगा, यानी कि आपका एक कैंडल का रिस्क रहेगा, लेकिन सामने आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट भी मिलेगा। देखो यहाँ पे समझो आपने एंट्री ली थी 8 मार्च को एंट्री ली थी 610 पे, और अभी स्टॉक 790 जितना चल रहा है, 805 का भी आज हाई मारा था। तो ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक भी आपको मिलते रहेंगे। तो ये दूसरा स्टॉक हो गया अपना VBL, जिसमें अच्छी एंट्री मिली थी और आप बाय कर सकते हैं। गाइस इसमें स्टॉप लॉस होने के बहुत कम चांस होते हैं। कब होते हैं, जब निफ्टी बैक टू बैक एक महीना गिरती रहेगी, तब जाके आपके 2-4-5 स्टॉप लॉस होंगे, लेकिन लिमिटेड होंगे। आपको तब एग्जिट भी करना होता है, क्योंकि एग्जिट नहीं करोगे तो फिर बहुत बड़े लॉस में भी आ सकते हो। क्योंकि देखो गाइस, स्टॉप लॉस होना है वो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, उसमें आपको कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% काम करेगी, लेकिन आपको रूल्स फॉलो करोगे तो आप आराम से मार्केट से पैसा कमा सकते हो। तो जैसा कि अपना हो गया VBL, अभी मैं एक तीसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है थर्मैक्स, वो भी अपने बाइंग साइड पे ही आएगा, तो आप इसमें भी ध्यान से देखोगे तो अपना एक सिग्नल आया था थर्मैक्स में, आप देखोगे तो अभी क्विकली मैं बता देता हूँ आपको। तो देखो कहाँ पे सिग्नल आया था, जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो क्या हुआ, सुपर ट्रेंड यहाँ पे टोनचेन चैनल, उसको यहाँ से क्रॉस किया, ऊपर चला गया। आपको ध्यान में यही रखना है, मेन यही ध्यान रखना है कि सुपर ट्रेंड नीचे होना चाहिए, टोनचेन चैनल का लोअर बैंड ऊपर होना चाहिए, और कोई कैंडल टच करनी चाहिए। जैसे कि ये रेड कैंडल टच किया तो ये पहला डिसीजन कैंडल होगा, इसके हाई के ऊपर बाय करने का ट्राई करना है। लेकिन दूसरे दिन न्यू लो बनाए और हाई ब्रेक नहीं किया, यानी कि डिसीजन कैंडल अभी आपकी चेंज हो गई, अभी ये वाली डिसीजन कैंडल हो गई, क्योंकि उसने टोनचेन चैनल को नीचे लो टच किया और इसका जो लो था उसका भी ब्रेक करके नीचे गया, न्यू लो बनाया, तो डिसीजन कैंडल चेंज हो गई। अभी एक कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाय करना है, और यहाँ से आप देखोगे तो नॉन स्टॉप एक ही डायरेक्शन में आपको यहाँ पे एग्जिट मिल गया, यानी कि आपने एंट्री यहाँ पे की, एग्जिट यहाँ पे की, तो आपको आराम से 10-15 दिन में आपका टारगेट अचीव होने के बहुत हाई चांस होते हैं। तो अभी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना रिटर्न मिला, क्योंकि ये बड़ी कैंडल थी, लेकिन आप देख सकते हो सामने 1684 के हाई था, तो यानी नेक्स्ट डे आपने बाय किया, 1697 का हाई मारा था, 1684 से आप लोग यहाँ पे देखोगे तो कितना है, 1945 जितना हाई है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, 1685 अपना एंट्री है और 1945 आपका एग्जिट है। अगर आप एग्जिट यहाँ पे नहीं करोगे तो जो लोग जॉब करते हैं तो सुपर ट्रेंड को फॉलो कर सकते हो, और यहाँ पे आपको एग्जिट यहाँ पे मिलेगा, 1817 पे एग्जिट मिलेगा। तो ये पहला सिग्नल यहाँ पे आ गया था, दिसंबर में आया था। ध्यान से सुनना गाइस, आप पिछले 8-10 महीने से देखोगे तो निफ्टी में गिरावट आ रही है, लेकिन आपको मैं ऐसे स्टॉक भी बता रहा हूँ जो ऐसे गिरावट टाइम में भी आपको बाइंग सिग्नल देते रहते हैं, यानी कि स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से काम करती है। आपको क्या करना है, सिर्फ डिसिप्लिन फॉलो करना है। तो ये हो गया, यहाँ पे एंट्री मिली थी दिसंबर में। अभी दूसरी एंट्री कहाँ पे मिली, यहाँ पे देखोगे तो ध्यान से 12 मई 2022 से यहाँ पे देखोगे तो एक कैंडल, क्योंकि देखो यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पे सुपर ट्रेंड को लोअर बैंड ऊपर चला गया, यानी कि ये सेटअप आपका ऐसा सेटअप जब भी आता है, सुपर ट्रेंड नीचे होनी चाहिए, लोअर बैंड ऊपर चला जाना चाहिए, फिर आपको वेट करना है कि कैंडल टच होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे स्टॉक गिरते गिरते यहाँ पे आया, तो एक कैंडल को टच किया, यानी कि आपकी डिसीजन कैंडल हो गई। नेक्स्ट डे इसके हाई के ऊपर बाई करना था लेकिन हुआ नहीं, फिर से न्यू लो बनाया यहाँ पे, तो अभी डिसीजन कैंडल चेंज हो गई, इसके हाई के ऊपर आपको बाई करना है और यहाँ से नॉन स्टॉप ऊपर जाए, तो आपका अपर बैंड को टच हुआ यहाँ पे,
नहीं, अपर बैंड को टच नहीं हुआ तो आपका कॉल अभी भी एक्टिव ही कहलाएगा, क्योंकि आपको एग्जिट को तो इसके नीचे ही करना है। या तो एग्जिट अपर बैंड को टच करे तब करना है, या तो आपका जो स्टॉप लॉस है वहां पे टच करे तब करना है। तो यानी कि आपका कॉल अभी भी एक्टिव ही माना जाएगा। तो आपने समझो कि यहाँ पे एंट्री ली थी 12 मई को, आपको डिसीजन कैंडल मिल गई थी और आपकी एंट्री हो गई 13 मई 2022 को। तो 12 मई का हाई कितना था थर्मेक्स का? 1930 था। तो आप समझो 1931 पे आपने बाय किया। उन्नीस सौ इकतीस पे समझो आपने बाय किया, गैस मार्केट का स्टॉक है। तो 1931 पे आपने समझो यहाँ पे बाय किया 13 मई 2022 को। तो अभी भी आपकी पोजीशन हो एक्टिव है। देखो हाई कितना मारा था, 2232 का मारा था, लेकिन अभी कॉल एक्टिव ही काउंट करेंगे क्योंकि आपने अपर बैंड को टच नहीं किया है, यानी कि अपने को एग्जिट सिग्नल नहीं मिला। अभी भी कॉल एक्टिव है। भले स्टॉक बढ़ देखो उसके बाद नीचे भी आए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका ये फाइनल स्टॉप लॉस हो गया है। इसके नीचे स्टॉक जाने के लिए स्टॉक को बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, स्टॉक जाएगा ही नहीं। तो आपको बिंदास होके होल्ड करना है। तो देखो यहाँ पे फिर से अपर बैंड अभी क्या हुआ, देखो अपर बैंड धीरे धीरे नीचे आ रही है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी टच होगी वहां पे एग्जिट करना है। तो यहाँ पे देखो अपर बैंड का लेवल था पहले 2232 के करीब, अभी अपर बैंड का लेवल कितना आ रहा है 2140 चल रहा है। तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं, स्टॉक यहाँ से जब भी टच होगा आप वहां पे बिंदास एग्जिट कर सकते हो, तो भी आप प्रॉफिट में ही एग्जिट करोगे। तो ये बाइंग साइड के सिग्नल हो गए। अभी गाइज मैं आपको सेलिंग साइड के भी सिग्नल बताता हूँ। तो आप देख सकते हो गाइज जब भी कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो मल्टीपल टाइम आपको सिग्नल मिलते रहते हैं। जैसे आईटीसी में मैंने दिखाया पिछले 3 महीने में 2 बार सिग्नल मिले, थर्मेक्स में देखा है पिछले 6 महीने में देखो यहाँ पे सिग्नल मिला, यहाँ पे भी सिग्नल मिला। यानी कि अप ट्रेंड वाले स्टॉक में आपको सिग्नल मिलते ही रहेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, डिसिप्लिन से वेट करना है कि लोअर बैंड को कैंडल टच करे, सुपर ट्रेंड नीचे होनी चाहिए, वो सब आपको ध्यान से देखना है। तो देखो क्रिसिल में देखो ये सेटअप आया था, यहाँ पे देखो लोअर बैंड ऐसे जा रही थी और सुपर ट्रेंड थी, तो ये डिसीजन कैंडल हो गई थी। इसके हाई के ऊपर बाय करना था गया नहीं, फिर से न्यू लो मारा, इसके हाई के ऊपर बाय करना था गया नहीं, फिर से देखो अभी देखो एक कैंडल बनी लेकिन उसने नया लो नहीं मारा, यानी कि अपना डिसीजन कैंडल तो यही रहेगा। अगर लो नीचे ज्यादा मारेगा वही डिसीजन कैंडल रहेगा। उसके बाद समझो कि 2-3 दिन स्टॉक इनसाइड बार ऐसे ऐसे अंदर ट्रेड करता है तो भी आपको इसके हाई के ऊपर ही बाय करना है, क्योंकि मैक्सिमम लो इसका ही है। और उसके बाद देखो स्टॉक नीचे चला गया तो इसमें अपना कॉल एक्टिव हुआ ही नहीं, यानी आप डिसिप्लिन से ट्रेड करोगे तो इसमें आपका कॉल एक्टिव हुआ ही नहीं। और जब भी इसके नीचे क्लोज दे देता है सुपर ट्रेंड के नीचे एक कैंडल, वो फिर अपना इनवैलिड सेटअप हो जाएगा, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखो इसमें क्रिसिल में और भी सिग्नल में बताता हूँ कहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ पे तो नहीं आया कोई सिग्नल, उसके बाद प्रीवियस में देख लेता है प्रीवियस में कोई आया हो तो। देखो क्रिसिल में यहाँ पे भी सिग्नल आया हुआ था, कहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 4 कैंडल बैक टू बैक देखोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा। थोड़ा वीडियो को मैं जूम करके बता देता हूँ। तो गाइज देखो इसमें तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और डिसिप्लिन के साथ अगर पूरा वीडियो देखोगे तो ही समझ में आएगा कि कहाँ पे एंट्री बनती है, कहाँ पे एग्जिट बनती है। तो देखो आपको इधर मैं समझा देता हूँ। देखो सुपर ट्रेंड नीचे और लोअर बैंड ऊपर चला गया, अभी लोअर बैंड को पहले एक कैंडल टच किया यानी कि डिसीजन कैंडल ले हो गई, तो नेक्स्ट डे इसके हाई के ऊपर बाय करना है। देखो उसके बाद एक कैंडल थी ये समझो, एक कैंडल ने नया लो मारा, नेक्स्ट डे नहीं मारा, एक कैंडल का जो कि डिसीजन कैंडल था उसके अंदर ही रहे, यानी कि ये मदर कैंडल बन गई और ये इनसाइड बार बन गई, तो अपना इसके हाई के ऊपर ही बाय रहेगा, एक कैंडल का हाई के ऊपर बाय नहीं रहेगा। अभी देखो तीसरे दिन नया लो मारा एक कैंडल, यानी कि इसके हाई के ऊपर बाय करना है, तो कॉल एक्टिव हुआ है नहीं हुआ। उसके बाद फिर से नया लो मारा नीचे की साइड, लेकिन क्लोज कहाँ पे दिया, सुपर ट्रेंड के ऊपर ही दिया, तो एक कैंडल अपनी डिसीजन कैंडल हो गई क्योंकि नया लो नीचे मारा लेकिन क्लोज सुपर ट्रेंड के ऊपर है, तो इसके हाई के ऊपर आपको बाय करना है। और यहाँ से देखो स्टॉक ऊपर ही गया और यहाँ पे अपर बैंड को यहाँ पे टच किया, आपको यहाँ पे एग्जिट सिग्नल मिल गया। तो ये नीचे से देखो बैक टू बैक 4 दिन गया गया, लेकिन आपको डिसीजन कैंडल चेंज करते रहना पड़ेगा। अगर नया लो कोई कैंडल मारती है तो आपको डिसीजन कैंडल चेंज करना पड़ेगा। समझो कि यहाँ पे अगर इसके नीचे क्लोज दे देती तो फिर वो अपना इनवैलिड सेटअप हो जाएगा, जैसे प्रीवियस में पहले दिखाया इसमें, तो ऐसा हो जाएगा, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो बाइंग साइड पे क्या हो गया, डेली चार्ट के ऊपर हो गया। ये देखो सारा जो मैं बताया वो डेली चार्ट में बताया, और ऐसा जरूर है कि डेली चार्ट में ही सिग्नल आते हैं। आप देखोगे छोटे टाइम फ्रेम में आज का डेट आप देख सकते हो 1 जुलाई 2022 से डीवी स्लैब में इंट्राडे में भी सिग्नल आते रहते हैं। इंट्राडे में आप देखोगे तो 5 मिनट का कैंडल या कोई भी आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो।
तो देखो यहाँ पे इंट्राडे में भी सिग्नल आते रहते हैं, कैसे पता चलेगा? देखो 200 SMA नीचे होनी चाहिए, सुपर ट्रेंड ऐसे होनी चाहिए, लोअर बैंड ऐसे क्रॉस करके ऊपर जाना चाहिए। तो देखो ये वो टच किया, क्योंकि लोअर बैंड को टच किया यानी कि डिसीजन कैंडल हो गई। उसके बाद नया लो इसने बनाया तो डिसीजन कैंडल हो गई, और उसके बाद नया लो बनाया यानी कि डिसीजन कैंडल हो गई। तो इसके हाई के ऊपर आपको बाय बनता है और आपको यहाँ पे एग्जिट भी मिल गया। अगर पूरे दिन होल्ड रखोगे तो आपको यहाँ पे लॉटरी भी लग सकती है। तो ये देखो मैंने इंट्राडे के लिए बताया, छोटे टाइम फ्रेम में भी काम करता है, 5 मिनट में भी टंग डीवी स्लैब में सिग्नल मिला था। आज की डेट है आप देख सकते हो 1 जुलाई 2022 की। तो आपको डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, आपको ऐसे अच्छे अच्छे सिग्नल मिलते रहेंगे। अभी मैं आपको सेलिंग साइड के भी थोड़े सिग्नल बता दूंगा कि कहाँ पे कौन से स्टॉक मिले थे, ताकि आपको समझ में आए। और वीकली चार्ट में भी काम करता है गाइज, ऐसा जरूरी नहीं कि वीकली चार्ट में आप देखोगे तो मैं आपको वीकली चार्ट ओपन करके बताता हूँ। मल्टी टाइम फ्रेम हर जगह पे काम करेगा, लेकिन आपको फोकस रखना पड़ेगा। वीकली वीकली चार्ट में देखो ए स्टॉक में तो कोई सिग्नल नहीं आया डीवी स्लैब में, क्योंकि देखो सुपर ट्रेंड यहाँ पे ऊपर है, लोअर बैंड नीचे है, तो यहाँ पे तो कोई सिग्नल नहीं आया, यहाँ पे भी कोई सिग्नल नहीं है। लेकिन एक स्टॉक है जिसका नाम है बजाज फिनसर, तो उसमें आपको देखोगे तो मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा बजाज फिनसर में सिग्नल आया हुआ था प्रीवियस में, कहाँ पे आया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वीकली चार्ट में, सॉरी गाइज, वीकली चार्ट में कौन से चार्ट पे आया था, एक मिनट, इसमें भी तो कोई आया नहीं है, सिप्ला में आया था शायद, मैंने लिख के रखा है ताकि आपका टाइम बिगड़े नहीं। सिप्ला में देखो मैंने वीकली चार्ट ओपन करके रखा है, सेम सेटअप रहेगा, आपको टाइम फ्रेम खाली चेंज करना है। रूल्स क्या होना चाहिए, सुपर ट्रेंड नीचे होने चाहिए, लोअर बैंड क्रॉस करके ऊपर जानी चाहिए, फिर कोई कैंडल टच करनी चाहिए। तो देखो एक ग्रीन ये रेड कैंडल ने टच किया तो उसके हाई के ऊपर नेक्स्ट डे बाय बनता है, नेक्स्ट वीक बाय, क्योंकि ये वीकली यानी कि नेक्स्ट वीक बाय बनता है। और देखो एक ग्रीन कैंडल ने उसका हाई ब्रेक करके ऊपर चला गया और ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो यहाँ पे आपने एंट्री की, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, और यहाँ पे आप एग्जिट भी कर सकते हो अपर बैंड को टच करता है। तो आप क्लियर कट समझ सकते हो कि कितने, समझो कि ये वीक का हाई कितना था, 907.85, 908 पे समझो बाय किया नेक्स्ट वीक, और आपका यहाँ पे एग्जिट हो गया है। कहाँ पे, 1000 के लेवल के आसपास आपका एग्जिट हो गया है। तो 10% आपको कितने वीक में मिल गए। तो इसमें आपको गाइस ये मल्टी वेक स्ट्रेटेजी, वीकली चार्ट में नॉर्मली आपको होल्ड करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 1-2 महीने में टारगेट आ जाएगा, कभी कभी 2-4-5 वीक भी लग सकते हैं, 2-4 महीने भी लग सकते हैं, तो वो उसके हिसाब से है। तो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया कि वीकली टाइम फ्रेम में भी ये स्ट्रेटेजी काम करती है। जैसे कि एक गोदरेज प्रॉपर्टी है, उसमें भी सिग्नल आया था वीकली चार्ट में, देखो क्लियर कट मल्टी वेगर स्ट्रेटेजी। सुपर ट्रेंड है यहाँ पे देख सकते हो, ये एरिया देखोगे तो लोअर बैंड ने क्या किया, सुपर ट्रेंड को क्रॉस करके ऊपर चला गया, यानी कि ये देखो एक कैंडल ने टच किया, उसके हाई के ऊपर बाय बनता है। क्योंकि नेक्स्ट वीक देखो जो ये बड़ी सी कैंडल थी उसके अंदर ही था, उसका लो ब्रेक नहीं हुआ, यानी कि डिसीजन कैंडल इसको ही मानोगे, क्योंकि ये कैंडल ने देखो प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया था और हाई भी ब्रेक नहीं किया। तो ये मतलब इनसाइड बार हो तो उसको हाई के ऊपर आपको बाय नहीं करना, जो डिसीजन कैंडल यही रहेगी उसके हाई के ऊपर आपको यहाँ पे बाय करना है। तो 1-2-3 कैंडल के बाद आपको यहाँ पे एंट्री मिली, आपका ये स्टॉप लॉस हो जाएगा, आप यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हो। एग्जिट नहीं करो तो यहाँ पे भी आपको लॉटरी लग सकती है। तो ऐसे अच्छे अच्छे ट्रेड आपको मिलते रहेंगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे गाइस। रूल्स के बिना कुछ नहीं है, मार्केट में गिरावट भी आ सकती है, बैक टू बैक आपके आपके स्टॉप लॉस भी हो सकते हैं। तो देखोगे तो गाइस देखो प्रीवियस में मैं समझाता हूँ, अभी ये तो मैंने देखा नहीं था लेकिन आपके नजर के सामने ही है क्लियर कट। यहाँ पे देखोगे तो वही स्टॉक सेम है, देखो यहाँ से लोअर बैंड क्रॉस किया, एक कैंडल ने टच किया, एक कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाय करना था, और अपर बैंड को जब टच करता है वहां पे एग्जिट करो। तो आपका सिंपल सा देखोगे तो यहाँ पे भी आपको एक सिग्नल मिल गया। मैंने तो ये देखा नहीं था, अभी जस्ट मेरे नजर के सामने आया तो आपको बता रहा हूँ। देखो ये रेड कैंडल बनी थी, लोअर बैंड आपका डिसीजन कैंडल हो गया, नेक्स्ट वीक उसने ब्रेक भी किया था। आप देखोगे तो मैं आपको कर्सर लेके जाता हूँ, आपको बता दो। देखो इसका हाई था 907.5 पैसा, और नेक्स्ट वीक उसने हाई मारा था गोदरेज प्रॉपर्टी ने 916 का, यानी कि आपका कॉल एक्टिव हो गया, और 844.5 यानी कि 844 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और देखो स्टॉक ने यहाँ पे आपका टारगेट अचीव हो गया, 1114 या 15 के लेवल आता है, यहाँ पे आपका एग्जिट हो गया। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपने एंट्री की थी 908 पे
और आप 1115 पे निकल सकते हो, तो कितना रिटर्न आपको मिल सकता है ये स्ट्रेटेजी से। लेकिन आपको एग्जिट करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ पे समझो एग्जिट नहीं किया तो आप फिर आपको सुपर ट्रेंड के क्लोज पे भी एग्जिट कर सकते हो। तो ये हो गया आपने बाइंग साइड पे। अभी मैं आपको सेलिंग साइड के एग्जाम्पल बताऊंगा ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि बाइंग साइड में भी आते हैं, सेलिंग साइड में भी ऐसे सिग्नल आते रहते हैं। लेकिन अभी अपने डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे और मैं आपको FNO के स्टॉक बताऊंगा गाइस मैक्सिमम, ताकि आप पोजीशन बना के रख सकते हो फ्यूचर्स में। एक मतलब एक महीने के लिए पोजीशन बना, कैश मार्केट में आप सेलिंग नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको ऐसे स्टॉक बताऊंगा जो FNO में रहेंगे। तो देखो, लेकिन सेलिंग साइड में देखो आप, सेलिंग साइड में पूरा उल्टा हो जाएगा। रूल्स क्या हो जाएगा, जैसे कि वो ग्रीन कैंडल थी ऐसी ये रेड कैंडल हो जाएगी, और यहाँ का अपर बैंड आना चाहिए। जैसे उसका लोअर बैंड आता था बाइंग के लिए, अपने लोअर बैंड यूज करते हैं, इसमें अपर बैंड करते हैं, क्योंकि सेल ऑन राइज हो जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात। और 200 ऐसे में ऊपर की साइड होनी चाहिए, यानी कि ऐसे नीचे गिरती होनी चाहिए, तो आपको पूरा उल्टा हो जाएगा सेल करने के लिए। तो इसमें आपको अपर बैंड को टच करे उसके नीचे सेल करना है, समझो मेरी बात। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको स्टॉक का नाम है ल्यूपिन, आप देख सकते हो ल्यूपिन में क्या करना है। तो स्टॉक ऊपर जा रहा है, देखो ये डिसीजन कैंडल हो गई, क्योंकि देखो ये हो गई अपने सुपर ट्रेंड, सुपर ट्रेंड के नीचे आ गया अपर बैंड, अपर बैंड आ गया। तो अभी आपको टच करता है कौन सी कैंडल, ये कैंडल ने टच किया तो एक कैंडल का लो ब्रेक किया कि नहीं किया आपने देख लेते हैं एक बार। अगर किया तो अपना कॉल एक्टिव हो जाएगा। तो देखोगे तो पहला अपर बैंड को एक कैंडल ने टच किया था 21 जून 2022 को, तो 21 जून 2022 का लो कितना था 608.95, और दूसरे दिन 609.25 था, यानी कि 608.95 था, यानी कि 608.5 के नीचे आप सेल कर सकते थे नेक्स्ट डे। लेकिन कॉल एक्टिव नहीं हुआ, नीचे स्टॉक गया नहीं और नया हाई मारा, यानी कि अभी डिसीजन कैंडल आपकी 22 जून वाली हो गई। उसके बाद देखो इसने भी 23 जून को भी लो ब्रेक नहीं किया, ये डिसीजन कैंडल का लो कितना था 609.25, यानी कि 609 के नीचे बेचना था। उसके बाद फिर से नया हाई मारा, तो अभी आपका ये डिसीजन कैंडल शिफ्ट हो गया ये वाला, तो उसके नीचे भी क्रॉस अभी नया हाई मारा। अभी देखो यहाँ पे 27 को न्यू हाई मारा था 640.9 का, तो आपका डिसीजन कैंडल अभी यहाँ पे आ गए। तो यहाँ से अपने डिसीजन कैंडल चेंज करते करते यहाँ पे आ गए 27 जून 2022 को, तो 628.5 के नीचे, यानी कि 628 से आप बेच सकते हो। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 640.9 है, यानी कि 641 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जो ये डिसीजन कैंडल का हाई रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा। और जब भी लोअर बैंड को टच करेगा वहां पे आपको एग्जिट करना है। अभी एग्जिट सिग्नल मिला नहीं है, अभी भी कॉल एक्टिव है लुपिन में। तो आप पैसे FNO में स्टॉक में भी कर सकते हो, क्योंकि देखो ये अपना पहले डिसीजन कैंडल था, उसका लो ब्रेक नहीं किया, नया हाई मारा यानी डिसीजन कैंडल शिफ्ट हो गया, इसका लो ब्रेक नहीं किया, इनसाइड वायर बनी, यानी कि डिसीजन कैंडल यही रहेगी प्रीवियस वाली, फिर से नया हाई इसने मारा तो ये डिसीजन कैंडल हो गई, इसके नीचे सेल करना था, नया हाई फिर से इसने मारा इसका हाई, तो इसके लो के नीचे सेल करना था। फाइनली कॉल यहाँ पे अपना एक्टिव हो गया, स्टॉक नीचे गया, अभी ऊपर गया, लेकिन अपना टारगेट कितना है, ये जो लोअर बैंड का रहेगा वो आपका टारगेट होगा, जब भी टच होगा वहां पे आपको एग्जिट करना है। तो ये अपना रूल्स हो गया एग्जिट का और एंट्री का सेलिंग साइड में। तो लुपिन में आप सेल कर सकते हो, तो आपको पूरा उल्टा कर देना है, तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि कहाँ पे सेल करना है कहाँ पे बाय करना है। अभी एक दूसरा स्टॉक मैं बता रहा हूँ जिसका नाम है एक्सिस बैंक। अभी मैं आपको सारे FNO के स्टॉक बताऊंगा ताकि आपको अगर फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल होगी ये स्ट्रेटेजी। तो FNO में देखोगे तो देखो उसमें बाइंग में अपने लोअर बैंड देखते थे, इसमें अपर बैंड नीचे आना चाहिए और सुपर ट्रेंड के नीचे, तो देखो क्रॉस करके यहाँ पे आ रहा है अभी, ये तो आ गया। अभी आपको क्या करना है, कैंडल का वेट करना है कौन सी कैंडल टच कर रही है। तो देखोगे तो ये बड़ी सी कैंडल है, उसने यहाँ पे अपर बैंड को टच किया तो आपका डिसीजन कैंडल मिल गया, इसके नीचे नेक्स्ट डे आपको सेल करना है। तो देखो कॉल एक्टिव भी हो गया, इसके नीचे बैक टू बैक स्टॉक गया, और आपको जब भी लोअर बैंड को टच होगा वो आपका एग्जिट सिग्नल हो जाएगा। तो देखो आपने यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे आपका टारगेट हो गया, तो ये अपना अच्छे से सिग्नल मिलते हैं इसमें। लेकिन आपको क्या करना है, बार बार वही मैं बता रहा हूँ, रूल्स फॉलो करना है। अभी एक्साइड इंडस्ट्री में भी आया था एक्साइड, इसमें भी आप देख सकते हो, इसमें भी सेलिंग साइड सिग्नल आया था। क्या होना चाहिए, सुपर ट्रेंड ऊपर होना चाहिए, सेलिंग साइड बता रहा हूँ, लोअर अपर बैंड नीचे आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे आया था, अभी अपर बैंड को कौन सी कैंडल टच करती है वो देखना है, तो ये बड़ी सी कैंडल ने टच किया तो ये आपका डिसीजन कैंडल हो गया। तो नेक्स्ट डे इनसाइड बार बनाया, उसके बाद इनसाइड बार बनाया, लेकिन
यहाँ पे ओपन हो और हाई उसका नीचे था, यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। और यहाँ से आपका नीचे टारगेट कहाँ पे आएगा, लोअर बैंड का ये वाला आपका टारगेट यहाँ पे एग्जिट करना है। तो ये हो गया अपना सेलिंग साइड पे। और उसके बाद भी एक दो और मैं एग्जांपल बताऊंगा सेलिंग साइड में पीएफसी। तो गाइज आपको ऐसे में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे सुपर ट्रेंड और नीचे आया अपर अपर डोंचेन चैनल का अपर बैंड और उसको टच किया एक कैंडल ने, टच करेगा वो डिसीजन कैंडल हो जाएगी। अगर न्यू हाई मारेगी यहाँ से समझो ऐसे, तो डिसीजन कैंडल आपके चेंज हो जाएगी। लेकिन न्यू हाई नहीं मारा, इसके नीचे अपना दूसरे दिन कॉल एक्टिव ही हो गया और आपका यहाँ पे टारगेट भी अचीव हो गया 4-5 दिन में। तो आपको ऐसे ही करना है, सेल करना है, बाय करना है, लेकिन रूल्स के हिसाब से समझो कि आपका यहाँ पे 3 जून 2022 को डिसीजन कैंडल मिल गया था, तो आपको 6 जून को सेल करना था। तो 111.3 लो था, तो आप समझो 111 पे सेल कर सकते हो। 113.8 आपका था, तो 111 पे सेल किया और आपका यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया 104.5 के करीब। तो देखो आप 2 रुपीज का आपका रिस्क के सामने आपको कितना मिल रहा है, 6-7 रुपीज प्रॉफिट मिल रहा है, 7-8 रुपीज का टारगेट मिल रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत जरूरी है गाइज, और आपको डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है। ऐसे सेटअप में ही करना है, देखो ऐसे सेटअप नहीं करना है। यहाँ पे देखो सुपर ट्रेंड और डोंचेन चैनल का क्या है, अपर बैंड ऊपर है, तो ये सेटअप गलत सेटअप है, ये भी सेटअप गलत सेटअप है। सुपर ट्रेंड ऐसे होनी चाहिए और ऐसे अपर बैंड या लोअर बैंड क्रॉस करना चाहिए, वही मेन होता है। सेलिंग साइड पे क्या होना चाहिए, सुपर ट्रेंड ऊपर होनी चाहिए, बाइंग साइड में सुपर ट्रेंड नीचे होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और सेलिंग साइड पे 200 SMA ऊपर होना चाहिए, बाइंग साइड में 200 SMA नीचे होना चाहिए। तो अभी मैं आपको 2-4 ऐसे स्टॉक बताऊंगा जिसमें इनवैलिड सेटअप आ रहा था। इनवैलिड सेटअप यानी कि गाइस देखो, इनवैलिड सेटअप से आपको क्या है कि क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे बाय करना है। बहुत सारे लोग की क्वेरी होती है, तो वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। और इसमें डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। देखो अपना एक सेटअप यहाँ पे आ रहा था, सुपर ट्रेंड देखो नीचे थी, टोंचन चैनल का लोअर बैंड सुपर ट्रेंड के ऊपर चला गया। जब भी जाता है फिर आपको वॉच रखना है ऐसे स्टॉक में कि कहाँ पे उसका, क्योंकि आपका बाइंग सिग्नल कभी भी मिल सकता है। फिर आपको वॉच करना है कि लोअर बैंड को कौन सी कैंडल टच करती है, क्योंकि सुपर ट्रेंड तो नीचे आ गई है और लोअर बैंड भी ऊपर चले गए। तो आपको ये सब में नहीं देखना है, ये सब आपका वेस्ट एरिया है ये सब। लेकिन जब ऐसा सेटअप आता है तब आपको देखने की जरूरत हो जाती है। उसके बाद आपको ध्यान से देखना है कि कौन सी कैंडल वेट टच करती है। तो देखो स्टॉक यहाँ पे टच किया, नहीं किया, नहीं किया, लेकिन एक कैंडल ने क्या किया, टच किया, तो यानी कि आपकी डिसीजन कैंडल हो गई। नेक्स्ट डे तो इनसाइड बार बना, यानी कि डिसीजन कैंडल वही रहेगी। उसके बाद न्यू लो मारा एक कैंडल ने, लेकिन देखो क्लोजिंग कहाँ पे दिया, क्लोजिंग आप ध्यान से देखोगे तो पहले तो एक कैंडल के आपके डिसीजन कैंडल हो गई, क्योंकि न्यू लो मारा था तो इसके ऊपर बाय करना था नेक्स्ट डे। लेकिन नेक्स्ट डे क्लोजिंग कहाँ पे हो गया, देखो सुपर ट्रेंड के नीचे हो गया, तो आपका कॉल एक्टिव हुआ यहाँ पे, नहीं हुआ। यानी कि आप गलत ट्रेडिंग से भी बच सकते हो अगर आप डिसिप्लिन से वेट एंड वॉच करोगे तो ही। आप ऐसा मत सोचो कि यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं बाय कर लेता हूँ फिर स्टॉक ऊपर चला जाएगा तो महंगे में मिलेगा, एक काम करता हूँ यहाँ पे बाय कर लेता हूँ स्टॉप लॉस बहुत कम आएगा। लेकिन आप ऐसा करोगे तो आपका स्टॉप लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको रिवर्सल का कंफर्मेशन चाहिए तभी आपको एंट्री करनी है, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखो अभी मैं आपको फॉल्स सेटअप के 2-4 एग्जांपल बताऊंगा ताकि आपको एकदम क्लियर कट समझ में आ जाए। और गाइज ये मैं आपको ये भी बता दूं कि स्ट्रेटेजी में कोई फिल्टर बिल्टर नहीं, आपको वन बाय वन स्टॉक चेक करने पड़ेंगे। देखो फॉल्स सेटअप में कैसा है, देखो यहाँ पे सुपर ट्रेंड नीचे और लोअर बैंड देखो ऊपर जा रही है। वैसे तो अपना क्या होता है, ये जब ऐसा सेटअप आता है तो बाइंग कॉल होता है, यानी कि क्या होता है सुपर ट्रेंड नीचे आ गई लोअर बैंड ऊपर चली गई तो ये बाइंग सेटअप आता है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है ये इंडिकेटर भी बहुत अहम रखता है, इसको भूलना नहीं है। ये 200 SMA क्या होना चाहिए बाइंग के लिए, ऐसे नीचे से आना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो ये उल्टा है, तो ये आपका इनवैलिड सेटअप है। क्योंकि जब भी स्टॉक 200 SMA के नीचे रहता है तो वो डाउन ट्रेंड में ही रहता है, तो ये स्टॉक अप ट्रेंड में नहीं है, आपको फंसाने के लिए ऐसे सिग्नल देते हैं। तो आपको यहाँ पे बाय नहीं करना, अगर आप बाय भी करोगे तो आपका ये टारगेट आने के बहुत कम चांस होते हैं, स्टॉक यहाँ से रिवर्स मार के नीचे ही चले जाते हैं। तो आपको ऐसे फॉल्स सेटअप से भी बचना है। तो अभी मैं आपको फॉल्स सेटअप के 2-4 एग्जाम्पल लूंगा ताकि आपको क्लियर कट समझ में आ जाए। जैसे कि एक स्टॉक आया था अदानी एंटरप्राइज, अदानी एंटरप्राइज में भी देखो, अदानी एंटरप्राइज में अभी सेलिंग कॉल, जैसे कि सेल सिग्नल आया, सेल कैसे किसको बोलते हैं,
सुपर ट्रेंड के अपर बैंड ऐसे क्रॉस करेगी और कोई कैंडल टच करती है, देखो यहाँ पे टच किया तो यह सेल सिग्नल वैसे तो आता है, लेकिन आपको देखना है कि 200 SMA कहाँ पे सेल साइड के लिए क्या होनी चाहिए, ऐसे ऊपर से आनी चाहिए, ऐसे ऊन होनी चाहिए, तो ये उल्टा है। देखो कहाँ पे 200 SMA नीचे की साइड है, तो ये क्या हो गया, इनवर्टेड सेटअप हो गया। आप यहाँ पे समझोगे बेचोगे तो देखो स्टॉक नीचे आया लेकिन वो लोअर बैंड को टच करेगा ही नहीं, देखो फिर से ऊपर चला गया, आपका यहाँ पे फिर से स्टॉप लॉस होगा फिर से, क्योंकि वो अप ट्रेंड में, स्टॉक अप ट्रेंड में ही है। आपको क्लियर कट 200 SMA बता ही देगा कि स्टॉक अप ट्रेंड में है कि नहीं है। देखो स्टॉक अभी अप ट्रेंड में, तो ये स्टॉक में आपको सिंपल क्या करना है, बाय ऑन डीपी करना है, क्योंकि 200 SMA नीचे आने की स्टॉक अप ट्रेंड में, जब 200 SMA ऐसे नीचे होगी तो आपको क्या करना है, सेल ऑन राइज का ढूंढना है, लेकिन ये सेल ऑन राइज के लिए ये सेटअप परफेक्ट नहीं है, क्योंकि स्टॉक अप ट्रेंड में, तो यहाँ पे आप सेल ऑन राइज नहीं कर सकते इस स्टॉक में, तो आपको ऐसे फिल्टर करने पड़ेंगे, 200 SMA से ही देखना पड़ेगा कि स्टॉक अप ट्रेंड में कि नहीं है। एक और एग्जांपल अपने ले लेते हैं गाइज, मैं एग्जांपल इसीलिए ले रहा हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, और जितनी प्रैक्टिस आपको होगी तो भले वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। देखो सेटअप के हिसाब से क्या होना चाहिए, बाइंग के लिए सुपर ट्रेंड नीचे होने चाहिए, डोंचन चैनल ऊपर क्रॉस होनी चाहिए, कोई कैंडल टच करनी चाहिए, तो ये कैंडल ने टच किया तो आपका ये डिसीजन कैंडल हो गया, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो सुपर ट्रेंड ऐसे एक्चुअली बाइंग के लिए ऐसे होनी चाहिए, लेकिन सुपर ट्रेंड ऊपर की साइड जा रही है, ऊपर से है, तो ये अपना पूरा इनवैलिड सेटअप है, स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही है, या तो साइडवेज भी बोल सकते हो, लेकिन बाय ऑन डीप वाला नहीं है स्टॉक, तो इसको आप बाय नहीं कर सकते। उसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जील एंटर, देखो जील में भी आपको, हाँ सॉरी गाइस, जील में तो अपना सेल सिग्नल आया हुआ ही है, कोई बात नहीं। देखो ये क्या है, सुपर ट्रेंड देखो ऊपर की साइड है, लेकिन कैसे जा रही है आप देखोगे तो ध्यान से, वो ऐसे जा रही है, नॉर्मली डाउन ट्रेंड में होता है तो सुपर ट्रेंड ऐसे गिरती होती है, ये ऊपर जा रही है, यहाँ पे आपको सिग्नल भी मिला था और सिग्नल का कॉल भी यहाँ पे एक्टिव हो गया था, देखोगे तो ये आपकी क्या हो गई, यहाँ पे टच किया था तो डिसीजन कैंडल हो गई, उसके नीचे न्यू हाई मारा लेकिन उसी दिन ब्रेक कर दिया और नीचे भी चला गया, यहाँ पे आपका टारगेट भी आ गया, लेकिन आपको ऐसे ट्रेड मिले तो लेना नहीं है, आपको सुपर ट्रेंड कैसे दिखा रही है, ऐसे ध्यान से देखोगे तो वो साइडवेज जैसे दिखा रही है, डाउन ट्रेंड में नहीं दिखा रही, तो ऐसे ट्रेड आपको लेने की जरूरत नहीं है, वो भी ध्यान में रखना है। अभी एक और स्टॉक है जैसे कि जिसका नाम है उषा मार्टी, तो इसको आपको सेल करना है कि नहीं करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो देखो इसमें आपको सेल करने की जरूरत नहीं है, इसमें सेल सिग्नल आपको मिल रहा है, देखोगे तो सुपर ट्रेंड के नीचे अपर बैंड डोंचन चैनल का अपर बैंड यहाँ पे आ गए और एक कैंडल ने टच किया, यानी कि आपका क्या हो गया, डिसीजन कैंडल हो गई, और उसके बाद तीनों कैंडल ने क्या किया, मदर कैंडल के अंदर इनसाइड बार बने, यानी कि डिसीजन कैंडल अभी भी यही रहेगी, क्योंकि कोई किसी ने हाई भी नहीं बनाया और किसी ने ब्रेक भी नहीं किया लो, यानी कि ये तीनों इनसाइड बार है, तो इसके नीचे आपको सेल करना है, लेकिन सेल नहीं करना क्योंकि ये सेल एंड राइज वाला स्टॉक नहीं है। कैसे पता चल गया, तो देखोगे तो 200 SMA नीचे है, यानी कि आपको सेल करने के लिए 200 SMA ऊपर होनी चाहिए, बाय करने के लिए 200 SMA नीचे होनी चाहिए, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो ये अपने रूल्स हो गए सिंपल। तो गाइज मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल भी बता दिए, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे बाय करना है कहाँ पे सेल करना है, वो भी आप ध्यान से देख सकते हो। अभी एक स्टॉक का नाम है बजाज फिनसर, उसमें आवरली चार्ट में भी सेटअप आया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जरूरी नहीं कि डेली चार्ट में ही आपको करना है, आपको जो भी टाइम फ्रेम में आपको लगे उसमें वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि देखो बजाज फिनसर में सेटअप आया था, यहाँ पे देखोगे तो सुपर ट्रेंड को इसने क्या किया, लो अपर बैंड ने क्रॉस कर दिया यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आपका सिग्नल मिल सकता है, तो देखो एक कैंडल ने क्या किया, टच किया तो डिसीजन कैंडल मिल गई, उसके लो के नीचे आपको सेल करना है, और देखोगे तो 200 SMA भी ऊपर है, यानी कि परफेक्ट सेटअप है, इसके नीचे आपको सेल करना था और सेल भी कॉल एक्टिव अपना यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखो आपका जो लोअर बैंड है वहां पे आपका टारगेट हो जाएगा, तो देखो ये सेलिंग सिग्नल भी मिलते हैं, वो भी 1 घंटे की कैंडल पे भी मिलते हैं। तो गाइज मैंने आपको 5 मिनट में आवरली चार्ट में, डेली चार्ट में, वीकली चार्ट में, सब तरह के टाइम फ्रेम में आपको बता दिया कि ये स्ट्रेटेजी अच्छे से काम करती है, सिर्फ आपको फॉलो रखना है, रूल्स फॉलो रखना है और उसके हिसाब से बाइंग या सेलिंग करना है गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करके जा सकते हो, अगर कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट करके भी पूछ सकते हो और टेलीग्राम में भी पूछ सकते हो, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से ज्वाइन करके वहां पे पूछोगे तो आपको मैं स्क्रीनशॉट के साथ भी रिप्लाई देता रहूंगा।
तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइज, तो प्लीज आप लाइक करके मेरे को मोटिवेट कर सकते हो, कमेंट करके कुछ भी क्वेरी हो तो भी पूछ सकते हो गाइज। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।